ये गाइस, तो आज हम बनाएंगे पीवीसी पाइप से एक कमाल का जुगाड़। तो फ्रेंड वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा। तो फ्रेंड लगभग हमने 10.5 सेंटीमीटर लंबाई का एक पाइप कट कर लिया है। अब फ्रेंड कुछ इस टाइप से हमें पट्टी वायरिंग का कट कर लेना। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फ्रेंड्स हमें 2 पीस हमने कट कर लिया है। फ्रेंड ये हमारा एंड कैप बन गया, जिससे कि हम इस पाइप को बंद कर सकते हैं। और फ्रेंड एक लेना है स्विच। और फ्रेंड स्विच का एक कुछ इस टाइप से मार्क का निशान लगा कि इसको हम कट कर लेंगे। और फ्रेंड हम बनाएंगे एक बेड स्विच। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा बेड स्विच है, इसको हम एक हैंगिंग स्विच भी कह सकते हैं। जैसे फ्रेंड हमारा बल्ब ज़्यादा ऊंचाई पर लगा हो तो उसको ऑफ ऑन करने के लिए इस टाइप का स्विच का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड कुछ इस टाइप से इसको हमें कट कर लेना है। और फ्रेंड इसमें हम स्विच को लगा लेंगे। और फ्रेंड इसको हम कसने के लिए हमें 2 पेंच की भी जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए हमने मार्किंग का निशान लगा लिया। यहाँ पर हम छोटे छोटे 2 होल कर लेते हैं। गाइज होल करने के बाद थोड़ा इस होल को हम बड़ा कर लेंगे फ्रेंड, और इसको हम क्लीन भी कर लेते हैं। और फ्रेंड कुछ इस टाइप से हमने क्लीन कर लिया। और फ्रेंड हमने एंड कैप में भी एक होल कर लेना है, जिससे कि हम वायर को आर पार कर सकते हैं। और फ्रेंड वायर का हम कनेक्शन कर लेते हैं, और इस वायर को हम पाइप में डालेंगे। और फ्रेंड हम स्विच में कनेक्शन कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। फ्रेंड दोनों पॉइंट पे हम अच्छे तरीके से टाइट कस देंगे। और फ्रेंड हम वायर में एक गांठ दे देंगे, जिससे कि फ्रेंड वायर से हमारा कनेक्शन छूट ना पाए। क्योंकि फ्रेंड से हमारा स्विच लटकेगा तो वायर पे हमारे जोर पड़ेगा, तो जिससे कि हमारा पॉइंट से कनेक्शन छूट सकता था। और फ्रेंड हम पेंच को लगा लेंगे। और फ्रेंड इसको पेंच के कसने में एक प्रॉब्लम आ रही है, तो फ्रेंड हम चिमटी की सहायता से यहाँ पर इसको लगा के हम कस लिए हैं। तो फ्रेंड जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड, इस टाइप से हमने इसको कस दिया है अंदर। और फ्रेंड दूसरे साइड भी ऐसे ही हम लगा लेते हैं। तो फ्रेंड अब इस टाइप से जुगाड़ लगा के अपने नॉर्मल स्विच को आप बेड स्विच या हैंगिंग स्विच में परिवर्तन कर सकते हैं। अब फ्रेंड हम एंड कैप को लगा के इसको हम पैक कर देते हैं। तो फ्रेंड्स पैक करने के बाद इसकी सेफ्टी बढ़ जाएगी, जिससे कि छोटे बच्चे इसमें उंगली न डाल पाएँ। अब फ्रेंड ये अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं इसका लुक कैसा हो गया फ्रेंड। तो फ्रेंड्स ये हमारा बन गया होममेड जुगाड़ बेड स्विच, या आप इसको हैंगिंग स्विच भी बोल सकते हैं। अब फ्रेंड आ जाते हैं। तो फ्रेंड हमने इसका कनेक्शन कर लिया, इसको अब हम टेस्टिंग करके दिखाते हैं। फ्रेंड हमने स्विच को ऑन कर दिया। अब जैसा कि आप देख सकते हैं ट्यूबलाइट हमारी जल रही है। तो गाइज इसका अपना जरूरत के अनुसार आप यूज कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक करेगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ऐसे ही मजेदार वीडियो हम बनाते रहते हैं। फिर